पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जागरूकता के अभाव की वजह से अमरोहा लिंगानुपात के मामले में मुरादाबाद मंडल में उछड़ गया है। हालांकि मिशन शक्ति कार्यक्रम चलने से मंडल के अन्य जनपदों में लिंग अनुपात में सुधार आया है, जबकि बाल विवाह के मामलों में कमी आई है। ये जानकारी उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक होटल में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से आयोजित हुई मिशन शक्ति की कार्यशाला में दी। उनका कहना है कि अमरोहा जनपद में जागरूकता के कार्यक्रमों में अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। बताया गया कि NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक मुरादाबाद मंडल राष्ट्र और प्रदेश के लिंग अनुपात से बेहतर है। उप निदेशक महिला और बाल विकास विभाग राजेश चंद्र गुप्त ने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश का लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 929 और उत्तर प्रदेश का 941 है। सर्वे 4 में अमरोहा का यह आंकड़ा 943 था। जिले में लिंग अनुपात बढ़ने की वजह जागरूकता का अभाव बताया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि कोविड-19 के दौरान अपने एक या दोनों अभिभावक खो देने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी दी। कहा गया कि मंडल में ऐसे 469 बच्चों को अब तक लाभान्वित किया गया है, अन्य बच्चों को 22-23 में लाभान्वित किया जाएगा। डायरेक्टर सर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें मेनली मीडिया पर्सन के साथ में हमें बैठ के डिस्कशन करना था, जो कि हमारी मिशन शक्ति 4 की जो कार्य योजना है और जो हमारी सरकार का उद्देश्य है वो जन जन तक पहुँचाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। आप लोगों के जरिए क्या क्या कार्य हैं जो अधूरे हैं और जिन कार्यों को पूरा करने की योजना है? कार्य कभी हमारी चाह तो कभी कम होती नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, अगर हम किसी एक जगह पे हम पहुंच गए हैं तो आगे भी हम उसे बेहतर करना चाहेंगे। तो सारे कार्य जो भी हमारे महिला कल्याण विभाग की जो भी योजनाएं हैं वो हमारे लगातार चल रही हैं और उनमें हम और भी ज़्यादा बेहतर कार्य बेहतर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो सभी का सम्मिलित रूप है मिशन शक्ति। समाज की महिलाएं सशक्त हो पाएं, बच्चे सुपोषित हो पाएं, उन्हें हिंसा और शोषण से मुक्त वातावरण मिल पाएं और सम्मानपूर्वक विकास और भागीदारी के अवसर प्राप्त हो सकें, यही हमारा विजन है। इसके लिए हमारे विभिन्न जो मंडल के अधिकारी हैं, महिला एवं बाल विकास के जो हमारे अधिकारी हैं, अभी प्रिया पटेल जी ने मुरादाबाद से ये बाल विवाह रोकथाम उन्मूलन कार्यक्रम कराया था। इसके अतिरिक्त मैं ये आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जनपद में बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। बहुत सारी महिलाओं जो पीड़िता हैं अपने घर से परित्यक्त हो गई हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो परित्यक्त हैं या जो अनाथ हो गए हैं, बहुत सारे नवजात शिशु भी आप लोगों के नोटिस में आते हैं कि जन्म के बाद ही उनको कहीं ना कहीं परित्यक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो उनके अच्छे जीवन ना जिए, उनका कोई समाज में निरादर ना करे, उनको भी विकास का एक अवसर मिल पाए। इसके लिए सरकार ने हमें कुछ आधारभूत संरचनाएँ बनाई हैं। हमारे मुरादाबाद मंडल में राजकीय संप्रेषण किशोर है, जिसमें 18 वर्ष तक के अगर कोई बच्चे किसी प्रकार के क्राइम कर देते हैं तो उनको वहाँ आवासित किया जाता है और उनके लिए अलग से सुनवाई का अवसर दिया जाता है। उनको प्रयास किया जाता है कि समाज की मुख्यधारा में उन्हें शामिल हो पाए। इसी प्रकार खुला बाल आश्रय गृह है, जनपद रामपुर में राजकीय बाल गृह शिशु है एवं दत्तक ग्रहण इकाई है, राजकीय महिला शरणालय भी मुरादाबाद में संचालित है। ये सिर्फ जैसे कि हमारा ध्येय वाक्य है महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला स्वावलंबीकरण, इसके लिए किया गया है। ये सिर्फ महिला बाल विकास विभाग का प्रोग्राम नहीं है। एक्चुअली जैसे योगी सरकार की नई योगी जी की नई सरकार बनी तो उन्होंने 100 दिन की कार्य योजनाएं स्टार्ट की। ये सिर्फ हमारे विभाग का नहीं है, ये पुलिस विभाग में भी है, ये अन्य विभागों में है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है। महिलाएं आधी महिलाएं हमारे समाज में आधी महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं। तो लेकिन क्योंकि महिलाएं ही ऐसी हैं जो कि हमारा महिलाएं और बुजुर्ग दो बहुत ही नेग्लेक्टेड पर्सन्स हैं, जिनको और बच्चे भी हैं नेग्लेक्टेड पर्सन जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें स्टार्टिंग
से ध्यान देते आए हैं, परंतु फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा जोर देना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है, स्टार्टिंग से चलता आया है। हमारा समाजीकरण भी ऐसा होता है स्टार्टिंग से, हमें लगता नहीं है कि नहीं ये तो कॉमन है जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वो जो हम बच्चों से बड़े होके आए हैं तो हम अपने घर में ही सीखते हैं कि पापा कहते हैं पापा बाहर का काम करते हैं, पापा ये करते हैं तो अच्छा है, मम्मी कहती हैं तो ठीक है एक कान से सुनो एक कान से निकालो, क्यों मम्मी की जो राय इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, उनका भी एक्सपीरियंस है, वो भी इतने बड़े होके आए हैं, मम्मी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना पापा है, लेकिन ये है कि हमने स्टार्टिंग से देखा है कि पापा का कहना ज़्यादा माना जाता है मम्मी का नहीं माना जाता, किस लिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, क्योंकि हम उनको हमेशा अपने पास देखते हैं, पापा हमेशा दूर रहते हैं, मीन्स वो सीरियस है, उनको पता है समाज के बारे में, हमें तो नहीं, मम्मी को नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें फैमिली से ही स्टार्ट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।